हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो स्टार्ट करने का कुछ खास ये है कि आज है कुछ स्पेशल और ख़ास दिन, और जिसके लिए है उसको आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल की वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैंने स्टार्ट करी थी, फिर उसके बाद मंजीत ने आपको दिखाई माँ वाली वीडियो। अगर आप सबको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कहीं पर कोई गलती हो रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं दूसरी लोकेशन से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ से मंजीत करते हैं वहाँ से नहीं। और वो अभी सो रखा है, वो अभी उठा नहीं। 8 बज चुके हैं, यहाँ लेट आती है ना धूप, इसलिए कोई जल्दी उठता नहीं है। और मैं उठी हूँ तो उसका खास रीज़न ये है, जो भी गढ़वाली होंगे उनको तो पता है कि सुबह का काम क्या होता है, तो गौशाले का काम मेन इम्पोर्टेंट है, वो मैं करती हूँ, तो इसलिए मुझे उठना पड़ा। मैं भी कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं उठी, मैं 7 बजे उठ गई थी बस। और ये देखिए धूप अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे है, मंडेली में आएगी लगभग 9 बजे, 9 या 9:30 बजे, तब तक तो हम चले जाएंगे दिहाड़ी पे। कल से दिहाड़ी यहाँ खुल रखी है, वो है प्रधान की मनरेगा वाली, 6 दिन का काम है, देखते हैं कितने दिन में करते हैं। और जो आज खास और स्पेशल है उसको दिखाएंगे आपको बाद में, तब तक के लिए बाय। खाना बनाते हैं तो देखिए वीडियो कर रहे हैं हम स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे मोनिका, गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग मनीषा, दोस्तों या भी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आओ तुम बोला। गुड मॉर्निंग, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये है वो कोई खास पर्सन जिसका है आज बर्थडे, जो उठ रही है 8:30 बज गए है। हैप्पी बर्थडे मोनिका, 8:30 बज गए भैया। विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। सुबह सुबह खा रही है पार्ले जी। हैप्पी हैप्पी बर्थडे, पार्ले जी खा रही है। इस समय ये घंटा हो गया था मेरी मोनिका को ऐसे ही, जब जो माँ और बच्चे का बड़ा प्यार हो रहा है भाई, जो कि मैंने उसे अभी तक दूध भी नहीं पिलाया था क्योंकि मेरी स्थिति बहुत डाउन थी, पर ऐसे ही मैंने उसको ऐसे ही सुला रखा था, परंतु 9 बजे उसको मैंने दूध पिलाया। मिस यू। वो मैं हो रही है वो टाइम। दोस्तों बनाते हैं खाना, खाने में दाल बना रहे हैं हम, ये घर की, जिन लोगों को पता होगा और समझ चुके हैं इसका क्या करेंगे, बट जिनको नहीं पता तो उनको हम दिखाएंगे। इसको पहले धोएंगे, फिर पीसेंगे, फिर उसके बाद घरेलू में बोलते उसको मस पानी। तो जिसका बर्थडे आज, उसको आज हम यही खिलाएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे आपको और क्या है, तब तक वीडियो में बने रहें बाय। चलिए दोस्तों, बना रही है मम्मी दाल। ये कुछ दाल वाली है, ये भैंस के लिए पिंडू। तो वो जो दाल है वो है ये मांस की दाल, मांस की दाल, काली दाल, प्रोटीन्स, जो पीस के कुछ ऐसा होगा। अभी तो मोड़ ना, और ये है सिलबट्टा मशीन। जो लोग इसको जानते होंगे उनको तो पता होगा, बट जिनको नहीं पता तो वो ये है पुराने ज़माने का सिलबट्टा, ऐसा मिक्सर है, बट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना घरेलू उसमें करो तो वही अच्छा लगता है। और मम्मी कर रही है ये, वैसे तो मुझे करना चाहिए था बट माँ सब करे, माँ तो मिनी बहुत तेरे को दिलकार बाद में तीन भेजना रे मोड़ मोड़ की। ओ भाई खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए दोस्तों बनाते हैं दाल। मसपानी ये है वो, इसमें मिर्च मसाले सब मिक्स कर दिए, ये वो पीस के बारीक कर चुकी है। ये देखिए हमने कढ़ाई बनाएंगे मसपानी, मिलते हैं आपको। तो दगड़ियों यो छो दैण गड़ोरी, और यो मसवाणी को खास ए में बने जाए, प्याज टमाटर कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं होंगे में, और हिंदी में बोलते इसको सरसों। कढ़ाई हो चुकी है गरम, देखते हैं। उनको ज़्यादा ठंडक थी इसलिए चूल्हे के पास चल रहे थे। Thank you.
बहुत टेस्टी होती है ये दाल, प्रोटीन ही प्रोटीन, और खास कर इस लोहे की कढ़ाई में। इससे इसको आयरन भी हो जा, इससे इसमें आयरन भी मिल जाता है और प्रोटीन भी है, डबल काम। इन्हें ला मिलो भी जगह इसको बोलते हैं मसमणी, यानी कि उड़द की दाल। बड़ा लगन तुम तो ये दाल बड़ा लगन और टेस्टी होंगे, हड्डियों को मजबूत करती है। अभी पहले पानी डालो ना, ये देखो ना ठीक ये इसको घुमाएंगे ही। ये जो वाइट वाइट ऊपर से आ रहे हैं ना, ये इसका मतलब अभी कच्चा है ना, ये वाला गाजी साउंड जो पकने में टाइम लगेगा। तो जब पक के तैयार हो गई हो जाएगी दिखाएंगे, टेस्ट टेस्ट करके बताएंगे आपको। तो अब हम करेंगे वो काम जो मैं आपको बता रही हूँ, जिसका बर्थडे है उसको कुछ नहीं पता, उसको हम सरप्राइज देंगे। तो हम उसके लिए बना रहे हैं अरसे, जो गढ़वाली लोग हैं उनको पता होगा अरसे क्या होता है। और वैसे वो जिसका बर्थडे है यानी मेरी बहन, उसको मार्केट की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं है और मॉडर्न तरीके से उसको सेलिब्रेशन करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको देंगे उसी के तरीके से सरप्राइज। तो उसको पसंद है अरसे बहुत ही ज़्यादा, उसे घर मतलब घर की चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए पापा बनाएंगे उसके लिए अरसे। तो पापा ने मुझे बता दिया क्या क्या उसमें प्रोसेस लगता है, तो इसके लिए पहले करेंगे हम चावल, फिर जो भी मार्केट से सामान आएगा तेल वगैरह पापा लाएंगे बाद में। तो पहले करेंगे उसके लिए चावल भिगोने, कितने चावल लगते हैं और मैंने पापा से पूछ लिया, चलिए आपको दिखाते हैं क्या होता है। तो दबड़ो ये है वो, ये है घरेलू पुराना, इससे रखेंगे हम चावल। इससे पूरा ये होता है ना कि हिसाब पता लग जाता है कि मतलब कितना रखा हुआ है, तो इसमें कितनी घेली लगेगी और कितना तेल, उस हिसाब से पता लग जाता है कितने बनेंगे। इससे जो बनाते थे ना घर वाले पहले कंडी, तो पापा आज दिखाएंगे कि इसको भर के कितने बनेंगे। तो दोस्तों ये है वो पाथा, पाथा पुराने ज़माने का, इसी से अनुभव आता है। थोड़ा चावल लाते हैं, अब और पाथर इससे अनुभव आ जाता है कि कितने चावल रखे हैं क्या होता है। ये पुराने ज़माने का है, ये मम्मी ने संभाल के रखा है और इस पर ये मिट्टी से इसको अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। तो चलिए रखते हैं, आधे ये वाले हैं, दूसरा ये लाइन है, पापा बोल रहे हैं आधे रख। हेलो दगड़ो, मैं जा रही हूँ दिहाड़ी पे और शायद आज दो ब्लॉग आएंगे, क्योंकि जो सुबह से मैंने बना रखा है वो मेरा ही आएगा और मंजीत बनाएगा जो दूसरा आएगा वो, क्योंकि वो कहीं और जा रहा है। और जो कुछ भी मैंने आपको बता रखा है कि आज क्या क्या होगा और क्या है आज, तो वो मैं ही दिखाऊँगी। बट अभी हो गया टाइम दिहाड़ी के लिए और दिहाड़ी पर जाना था 9:30 बजे, जो कि 5 मिनट ज़्यादा हो गए। और तो मतलब आ जाएंगे दो ब्लॉग, एक मेरा आएगा और एक मंजीत का, क्योंकि मंजीत जा रहा है मैच खेलने पता नहीं कहाँ, आज उनका मैच है और मैं जा रही हूँ दिहाड़ी पे। तो जो कुछ भी मैंने आपको बता रखा है बोल रखा है वो मैं ही करूँगी, मैं ही आपको बताऊँगी। तो क्या पता ब्लॉग लेट भी हो सकता है, क्योंकि हमने जाना है दिहाड़ी पे, तो हम आएंगे वहाँ से 2 बजे। उसके बाद आगे का जो भी है प्रोसेस अरसे बनाने का वो आपको दिखाएंगे, और बर्थडे गर्ल को भी बाद में दिखाएंगे कि उसको सरप्राइज़ कैसा लगा, क्या है उसका रिस्पांस। तो हमने जाना है आज नदी, वहाँ से लाना है रेत, ऊपर का लाए हम पत्थर, रास्ता बन रहा है ना गाँव का मेन रास्ता। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक वीडियो में बने रहे। और आज दिहाड़ी पे ज़्यादा टाइम लगा तो इसलिए हम आए 3 बजे। तो आपको दिखाते हैं जो मैं सुबह बोल कर गई थी कि अरसे बनाने हैं, उसका प्रोसेस अभी दिखाएंगे। और जिसका बर्थडे है वो अभी घर पे है नहीं, उसके
के लिए सरप्राइज है, तब तक हम बनाएंगे जो चावल हमने सुबह भिगोए थे उनको आप कूटेंगे, सिखाते हैं क्या क्या होता है और कैसे। मैं भी आ गया हूं। क्या आज मैं खंडली वे मैं धारण चाऊ मैं मतलब जरूरी चाहिए का दा मिला रुबल चल रहा है मैं चाऊ से मैं चल रख लगभग सा रख सा करना ये ले आ मैं चाऊ इन करने का नहीं बटे जी दा मैं ये तभी नहीं पहनी ना हट जानियो ना कितना बड़ा लग गया सर मस्त पुराना जमाना। तो भाई लोग आज हम भी करेंगे चावल, चावल कूटेंगे, हम भी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। कभी कूटे नहीं वैसे तो कूट रखे, पर मैं इधर उधर मार देता हूँ ना तब उसमें पत्थर चले जाते हैं। तो मम्मी भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। तो दोस्तों ये आपको भी माँ ने बताया ना क्या क्या है, तो वो प्रोसेस अब हम करेंगे पूरा। पहले जो चावल भिगा रखे थे वो हमने कूटने हैं, फिर उसके बाद बारीक बनता है उसका, जो भी होगा आपको पूरा दिखाएंगे। और जिसका बर्थडे है वो अभी घर पे नहीं है, वो आएगी थोड़ी देर में क्योंकि वो बकरियों के साथ रहती है, तो आएगी थोड़ी देर में, तो उसको बाद में दिखाएंगे कि उसके लिए क्या सरप्राइज़ है। तो उसके लिए जो भी बन रहा है उसके लिए नहीं, सभी दोस्तों के लिए है। तो आप लोग भी ज़रूर आइए और प्यारे प्यारे अरसे खाइए। तो चलिए तब तक वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करते हैं पूरा। और वो है चावल, कूटना है चावल को, तो ये कूटेगा मारा भारी जोगिंदर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वाला सीन। और ये देखो आज फर्स्ट ओपनिंग मंजीत करेगा और फिर मम्मी भी करेगी और मैं भी करूँगी, तब तक हम दिखाएंगे। तो हम बना रहे हैं जिसके लिए बन रहे हैं वो भी आ चुकी है। उनका रिस्पॉन्स खुश क्यों उड़ो खुश मजा। वंस अगेन हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। तेरा ऑडियंस को भी बोला आज हमारे दोस्तों को थैंक यू। सुबह बढ़ती है ऑडियंस थी क्योंकि कनी तो पहलू ये बात तो खुद से ती वो जो सरप्राइज करी हमर परसन मैं तो पता जो पक्का ती लेकर ओले प्लान गजब बेइज्जती है। तो ये है ना, तू समझ रहा है दबेला वो ऑल मत देखिए नेचर मैं आपने बोला नहीं चुकी हो के खुशी झलक रही है जब तक आरसी मुंह में नहीं जाएंगे तब तक खुशी नहीं मिलेगी क्या। तो भाई लोगों मुझे सभी काम का एक्सपीरियंस है, मैं मजाक कर रही हूं, देखो मैं आवाज सुनो। ओके गाना यार बिना रे बजरा बिना ये बिना मेरा चिड़ अरसा ठेके जा। तो बर्थडे गर्ल कूट रही है यहाँ पे चावल, तो इसको मिली बहुत ही ज्यादा खुशी कि हम इसके लिए ये वाला सीन कर रहे हैं क्योंकि अरसा मुझे अरसा ओनली पसंद है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों इधर देखिए हम दोनों की शक्ल मैच होती है नहीं बट हमारी आवाज मैच होती है। तो इसको और से पसंद है, बाकी कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और देखिए वो इतनी खुश हुई कि उसने सीधा गंजे को पकड़ा और कूटन पर लगा। अच्छा ये होता है कुछ पहाड़ी स्टाइल। बर्थडे गर्ल की टोपी ओले मेला बर्थडे गर्ल तो कोड कोड ले ओ लेती होगी कुछ वो भी कहेगी अभी तो आज कहेगी तो या मां प्यारी सी मम्मू प्लीज मम्मू मम्मी दिस वाले। ओ तो ये रही मम्मी का दिस, ये रहा हमारा दिस। यो वाला जन्मदिन का मोनिका।
क्या कुछ ये है बिल्ली जो मतलब जब चौंक भी जाए मतलब एक पाद में एक बिल्ली लगा पा पड़ो बिल्ली थोड़ा मतलब मोटी मोटी हो अगले क्या जा कुछ ऐसा प्रोसेस होता है इसका गलानी पड़ती है और हमारा काम है स्टार्ट और इसको जैसे इसमें रखना है जैसे इसको हाँ हाँ पता नहीं जो चलाना था गाड़ी ले मिल वेगी यो जरा दूर ना तो ये है चाय हाँ ये कुछ ऐसे होते हैं ये इधर गए बिल्ली गर्म पाए वही मैं करूँगी और प्रोसेस पवन चक्की आई बिल्ली कुटी मतलब इधर तो करो इन करने वाला अच्छा निकलती है लगा बहुत मशक्कत करने के बाद कुछ परिणाम ऐसा मिला ये बन के रेडी हो चुका है जिसमें काले काले हैं वो है जीरा गरम हो रहा है जीरा नहीं था भाई लोगों वो था अजवाइन एंड सौंफ तो फाइनल रिजल्ट ऐसा आता है यहाँ से गोली गोली बनाते हैं जैसे रोटी की बनाते हैं और इसमें डालते हैं सीधे ही अपने बाद में मिलते हैं आपको नाइस नहीं भाई लोगों आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसा प्रोसेस रहता है इसमें इनको ठीक से बनाना पड़ता है पूरे जल जाते हैं कार्य पर मैं हूँ पापा इस कार्य में पापा को बहुत गुस्सा जा रहा है तो फाइनली दोस्तों जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो बन चुके हैं दिखाते हैं ये है वो अरसी और ये है वो सरप्राइज गर्ल कल आए कार पे खड़ा है कैसा महसूस कर रही हैं आप बीड़ी लव बीड़ी हाँ बीड़ी बीड़ी दे तब बताओ मैं जोर से बोलना मस्त मस्त खुश अति प्रसन्न फाइनली भाई लोगों ये रही अच्छी मतलब इनका सेब तो फूल आ नहीं रहा मंजीत ने बनाए तो ये होते हैं घर की फेमस मिठाई तो ये है अरसे जो कि बहुत ही टेस्टी और बर्थडे गर्ल के लिए बना रखी है खुशी तो झलकनी नहीं यार बहन खुश नहीं जाए क्या खुश चो भाई खुश चो अभी ज्यादा चीज खुश थैंक यू तुमको कुछ नहीं बनन क्या हमको सब कुर्ती गुण विशेष का गजब बेइज्जती है अमी तो मैं जो यार साला मैं तो पता से कोनी नहीं बना कोनी नहीं कार होने भाई लोगों ये ब्लॉग आज का दीदी का ही रहेगा क्योंकि इसका पूरा उद्देश्य दीदी के लिए ज्यादा है अलग से दीदी का ही ब्लॉग रहेगा दोस्तों बन चुके हैं हमारे अब से और बर्थडे गर्ल को भी पता चल गया था सरप्राइज कि क्या था उसके लिए और वो खुश हो चुकी है और ये जो आज का ब्लॉग है ये मंजीत अलग डालेगा मेरा क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो भी था सरप्राइज वगैरह सब ये मैंने डिसाइड कर रखा था अपनी बहन के लिए क्योंकि बहुत स्पेशल एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब क्या ही बोलूँ वो मेरी लाइफ में बट जो भी था मतलब ये सारा प्लान मेरा था कि क्या बनाना है और क्या उसके लिए स्पेशल करना है मुझे उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ याद रहती है तो उसे अरसे बहुत पसंद है इसलिए मैंने पापा से डिसाइड किया मतलब क्या क्या लग सकता है कितना लगेगा क्या लगेगा तो पापा ने मुझे बताया कि मैंने पहले प्लान करके रखा था तो मैंने कल पापा को बोला हमें ये सब कुछ करना है इसलिए आज सुबह मैंने आपको बताया मैं एक्साइटेड थी इसीलिए आज का पूरा ब्लॉग मंजीत मेरे लिए डालेगा
क्योंकि मैं एक्साइटेड इसलिए थी मोनिका के लिए, मैंने इसीलिए सुबह से खुद वीडियो स्टार्ट करी और एंडिंग भी शायद मैं ही करूँगी। सब एंड करने से पहले हम दिखाएंगे मोनिका को और उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे। और बर्थडे कुछ मैंने आपको बताया था ना कि उसको मॉडर्न ज़माने में ये कुछ पसंद नहीं है केक वगैरह, नहीं तो हम मार्केट जा रहे थे केक वगैरह ला रहे थे, बट मैंने मना किया मनजीत को कि हमने ये सब कर रखा है। इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कैसा है क्या है, और अरसे जो गढ़वाली लोग हैं उनको पता होगा अरसे क्या होते हैं और क्या उनका टेस्ट होता है, और जिन लोगों को नहीं पता वो प्लीज़ वीडियो में देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और मिलते हैं जब अरसे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सेलिब्रेट करेंगे कि मोनिका के साथ। बाय।